हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पढ़ रहे थे मोनोटोनिसिटी, जिसमें से आपका जो टॉपिक था मतलब वहाँ पे पॉइंट्स था मोनोटोनिस ऑफ फंक्शन इन ए इंटरवल, वो भी हो गया था। अब बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की, जो कि है जैसे कि बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस एंड जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं वो क्या होते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 माइनस 100 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कैपिटल आर। मतलब जो कैपिटल आर है वो क्या है, फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है, फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस डोमेन में फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करती है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताया था, पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, ये फंक्शन इज ऑलवेज। तो हमारा जो मेथड होता है आपको कल बताया था कि फंक्शन दिया गया होगा उसको वाई कंसिडर कर लेंगे, आफ्टर देन उसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इक्वेट जीरो कर देंगे कब जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। बट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हमें ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब है तो उसको वाई कंसिडर करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100। यहां से मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 आ गया, ये जीरो हो जाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां से मैंने 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ओके। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा, ये ऐसे रहेगा। अब इसको अगर इक्वेट जीरो करेंगे, इक्वेट मान लेते हैं जीरो करेंगे, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, जीरो इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इस 2 को मैंने 1+1 में ब्रेक कर दिया। 1+1 में ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर और प्लस में 1 बाहर 3 = 0। तो कभी भी देखो ये क्या है हमारे पास, ये 0 हो सकता है किस पॉइंट पे, 1 पे, बट उसके अलावा हमारे पास 1 ऐड में है, 1 क्या है हमेशा एडिशन में है, तो 0+1 क्या आएगा 1, मतलब हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। कोई वैल्यू पुट करके देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे नंबर प्लस 1, मतलब हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड उसमें कोई एडिशन नंबर हो रहा है, पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो वो फंक्शन जो होगा भैया वो जो इंटरवल होगा हमारे पास होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, मतलब कि ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। यहां से हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 3, इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3, कैसे, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ 1 रख दो x की वैल्यू, तो ये 0, 0 प्लस 1, 1, 1 इंटू 3, 3, मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये ऑलवेज क्या हो रहा है, 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन इज ऑलवेज, सो फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन डोमेन क्या था आर, डोमेन क्या था आर। आप कोई वैल्यू पुट कर देखो, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट कर देखो, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट
देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और है जो आपको होमवर्क के लिए करना है। देखिए शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 3 माइनस 18x² प्लस 27x प्लस 27x माइनस 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर। यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू दिया हुआ है कैपिटल आर। ये क्वेश्चन होमवर्क करने का सेम मेथड है, सेम आपको वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद अगर देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो बना ले, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग है तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज बन रहा होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। ओके ये होमवर्क के लिए था क्वेश्चन, इसे हम कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए Find the interval in which the function fx equal to 3x^4 - 3x^4 - 4x³ - 12x² - 12x² + 5 दो ऑप्शन मतलब दो क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो कल आपको बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब इसका क्या मतलब हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब भी सेम ये होता है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का होता है। देखो स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, केवल और केवल इंक्रीज करना चाहिए, क्या करना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए, और ये क्या होता है केवल डिक्रीज करना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक और इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिक। ओके तो इस बात का ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपका कोई फर्क नहीं होता है, जो जैसा क्वेश्चन होता है वो वैसा ही क्वेश्चन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल नेम चेंज है यहाँ पर। ओके चाहे तो आप लिख लीजिए नोट बना के। देखिए नोट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉमा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कॉमा ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग आर सेम वर्ड्स मतलब इन सब का एक ही नाम होता है आर सेम वर्ड्स। अभी इस क्वेश्चन को करना है आपको मेथड नहीं चेंज करना मतलब यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, तो पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y कंसीडर कर लो, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x^4 - 4x³ प्लस 12x² + 5। क्या करो उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा 12x³ - 12x² + 24x। यहाँ से अब क्या करेंगे देखो, अब हमें यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है, ना ही प्रूव करना है ना ही कुछ बताना है, तो क्या करेंगे आप इसको क्या करो जीरो से इक्वेट कर दो,
क्या करेंगे 12x³। तो 12x³ में हमारे पास इस फंक्शन में 12 कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या रहेगा x² माइनस x प्लस में 2। अब इसको इक्वेट क्या किया है, जीरो से, क्या किया है जीरो से, यहाँ पे क्या आएगा 12x x प्लस x माइनस 2 और x प्लस 1 फैक्टर कर दिए इसके, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक बार x क्या आएगा, 0 आएगा, एक बार x क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, एक बार x क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, माइनस 1 0 एंड 2। अब आपको बताया था कि राइट साइड पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ओके। राइट साइड में पॉजिटिव होगा कब, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तब, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, अब क्या करेंगे, अब जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन। मतलब क्या हो गया, जीरो माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो यूनियन, माइनस वन टू जीरो यूनियन टू टू नॉट डिफाइंड। इसमें क्या होगा, फंक्शन फंक्शन इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दो इसको लिखना है। फिर सेकंड क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस वन यूनियन जीरो से लेकर टू तक, ओके। इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये इंटरवल हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ये इंटरवल हो गया। आपको सारे के सारे मेथड्स जो हमारे पास हैं, मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे, अदर कोई मेथड नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x रेस टू 4/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस 12, ओके। क्वेश्चन है फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। ट्राई दिस, इसको y कंसीडर करो, y इक्वल टू x रेस टू 4/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24। dy/dx निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 4 जब आएगा यहाँ पे जाएगा x³, क्योंकि 4x³ होगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ओके, अब इसका फैक्टर निकालना बहुत टफ हो जाएगा, फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है x³ और 2 रखें, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 20 34 2 क्यूब 8 2 का स्क्वायर 4 0 12 से
है, टू हो रहा फैक्टर, तो इक्वेट जीरो कर दो पहले, क्या करेंगे इक्वेट जीरो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 24 इक्वल टू जीरो। देखो पहले चेक कैसे करेंगे, कोई वैल्यू पुट करके देख लो, अगर वो जीरो हो रहा है तब वो उसका फैक्टर है। कैसे, टू पुट कर रहा हूँ, एट एट प्लस 24 32 माइनस में 12, ये 4 होगा, 4 तीन कर और माइनस 20 12 20 32 हो रहा है हमारे पास, मतलब x माइनस जो 2 है पुट किया, माइनस 2 क्यों, क्योंकि वहां पे इक्वेट करो तो x के लिए 2 आएगी, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में 12 इक्वल टू जीरो। अब चेक कर दें, एक्स क्यूब हो गया माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस में x हो गया माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 24 ठीक है, उसके बाद माइनस 2x सॉरी प्लस 2x और माइनस 12 माइनस हो गया। अब इसके फैक्टर तो दिख रहे हैं तुम्हें, x माइनस में 4 है और x प्लस में 3 है, x माइनस में 2 है इक्वल टू 0 है, कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए। 3 पॉइंट्स आ गए, क्या करेंगे, 3 नंबर पहला नंबर लाइन पे ड्रॉप कर देंगे। पहला क्या है, सबसे छोटा नंबर है माइनस 3, फिर है हमारे पास 2, फिर है हमारे पास 4, फिर से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे ये इंटरवल में पॉजिटिव है और ये इंटरवल में निगेटिव है, खत्म हो गया। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 3 यूनियन 2 टू 4, इसमें क्या कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके। और माइनस 3 से लेकर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 यूनियन 4 से लेकर नॉट डिफाइंड, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको एरो नहीं बनाने हैं, आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एरो बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरो बनाया जा रहा है तो वहाँ पे एरो बनाया जाते हैं, अब वहीं पर आपका क्वेश्चन वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट prove that function given by fx equal to log sine x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi by 2 to pi। क्वेश्चन कीजिए,
मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉट साइनस क्या है हमारे पास फंक्शन में, आपसे बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में, डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में, मतलब आपको जो लोएस्ट वैल्यू है वो दी गई है जीरो और हाईएस्ट वैल्यू दी गई है पाई, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जीरो टू पाई के बीच में हमने इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ओके, तो ट्राई कीजिए। आपको बोल रहा हूँ बार बार कि फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, मतलब मेथड में आपको जैसा बताया गया है बस वैसा ही करना है। देखो कैसे करेंगे, एफ एक्स को मैंने वाई कंसीडर किया, वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा वन बाई साइन एक्स, और साइन को दोबारा क्या होता है कॉस एक्स, मतलब क्या आ गया हमारे पास कॉट एक्स। अब कॉट एक्स आपको पता है कि जीरो से लेकर पाई बाई टू तक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ऐसे लिख लेंगे कॉट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो किस इंटरवल में, जब एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाई टू है। ओके, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है कॉट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो टू पाई बाई टू, और कॉट एक्स इज लेस देन जीरो जब एक्स क्या होगा पाई बाई टू टू पाई, और जब इसके आगे बढ़ेंगे पाई से आगे बढ़ेंगे तो फिर से ग्रेटर आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपको रियल नंबर दे देता, मतलब जो वो क्या था डोमेन वो रियल नंबर दे देता तो हमारे पास क्या होता है जीरो टू पाई फिर पाई टू थ्री पाई बाई टू फिर इस तरीके से पढ़ते जाता, तो आपको आपको इसलिए जीरो टू पाई के बीच में बताना है कि जीरो से लेकर पाई टू बाई टू तक क्या होगा इंक्रीज कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू तक इंक्रीज कर रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y equal to x x minus 2 perfect square, y equal to x x minus 2 perfect square is an increasing function, is an increasing function, मतलब केवल आपको increasing जिस interval में है वो बताना है increasing function। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, आपको इतना बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, तो हमें केवल क्या बताना है क्वेश्चन में इंक्रीजिंग जिस फंक्शन जिस डोमेन में है बस उसका आपको इंटरवल बताना है और कुछ नहीं बताना। ओके करते हैं, यहाँ पे वाई दिया हुआ है देख लो वाई इक्वल टू इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या एक्स माइनस टू परफेक्ट स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है उस तरीके से किया। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगाते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसको कर देते हैं टू एक्स, इसको ऐसे रखेंगे एक्स माइनस टू परफेक्ट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखता है इसको रखता है टू टाइम्स एक्स माइनस टू और इसको दोबारा करेंगे वन हो जाएगा, इसका फर्क पड़ेगा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या x x माइनस टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास यहाँ पे सॉरी टू भी कॉमन आ रहा है टू एक्स और x माइनस टू कॉमन क्या एक x माइनस टू बचा और यहाँ पे क्या बचा x बचा। ओके क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन आ गया एक x कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास टू एक्स एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा टू टाइम्स x माइनस वन इस टू को फिर से कॉमन करो क्या हो जाएगा फोर 4x
एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। इक्वेट जब जीरो करेंगे तो हमारे पास एक्स की तीन वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? जीरो आएगा, वन आएगा और टू आएगा। मैंने नंबर लाइन में प्लॉट किया जीरो वन एंड टू। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करूंगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपसे बोला कि इंक्रीजिंग के लिए ही बताना है, तो आपका एंटर होगा आ गया क्या, जीरो टू वन यूनियन टू टू नॉट डिफाइंड के लिए क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। ओके देखिए, प्रूफ दैट y इक्वल टू, प्रूफ दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू फोर साइन थीटा अपॉन में टू माइनस कॉस थीटा, सॉरी टू प्लस कॉस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू कैसे। क्या करेंगे यहाँ पे, जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू फोर साइन थीटा अपॉन में टू प्लस कॉस थीटा ये दिया हुआ है। क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई वाई। अब देखो यहाँ पे इन फंक्शन किसमें है, थीटा में, तो हम क्या करेंगे थीटा के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा टू प्लस कॉस थीटा और इसको करेंगे क्या आएगा फोर, फोर कॉस थीटा हो जाएगा माइनस फोर साइन थीटा को ऐसे रखेंगे और इसको दोबारा करेंगे क्या आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन में टू प्लस कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या आएगा एट कॉस थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में क्या हुआ टू प्लस कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो हो गया और वन, अच्छा देखते हैं एट कॉस थीटा प्लस में क्या आया फोर अपॉन में क्या आया टू प्लस कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर। सेपरेट कर लेते हैं, क्या किया सेपरेट कर लिया एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या रहेगा एट कॉस थीटा अपॉन में टू प्लस कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर प्लस, इसको मैं टू का स्क्वायर लिख दिया था टू अपॉन में टू प्लस कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया। देखो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम डिपेंडेंट कहाँ पे होगा, इस पे डिपेंडेंट होगा, किस पे एट कॉस थीटा पे। तो एट कॉस थीटा जो है अगर इसको जीरो करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आएगा हमारे पास आएगा, फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई टू आएगी, तो जीरो से लेके पाई बाई टू हो जाएगा हमारे पास, जीरो से लेकर पाई बाई टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या होगी वन होगी हमारे पास,
तो आपका हो गया हमारे पास ग्रेटर, आपको दिखाना क्या है, ग्रेटर दे दिखाना है, इंक्रीज दिखाना, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फंक्शन में दिया हुआ है कि इंक्रीज फंक्शन है, इंक्रीज के लिए क्या होता है डी बाई डी से ग्रेटर होने चाहिए, ग्रेटर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ग्रेटर का साइन लगा दो, ग्रेटर और इक्वल टू का, तो यहाँ भी क्या देगा, क्योंकि कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस जो फंक्शन होता है वो क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई टू तक जाएगा, मतलब इक्वल टू चेंज जाएगी, और यहाँ पे लेस वैल्यू क्या होगी जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू से लेस लिया है तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे फिर से इक्कीस करने लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग ऑन क्लोज जीरो टू पाई बाई टू, क्लोज जीरो टू पाई बाई टू, यही प्रूव करना था। ओके, ये फोर मार्क का क्वेश्चन आया था बोर्ड में 2014 में और सॉरी 16 में। और इसी क्वेश्चन के साथ में जो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर था ये फिनिश हो जाता है। ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम का मतलब है मिनिमम वैल्यू। ओके, देखिए पहले तो डेफिनेशन लिख दीजिए। देखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, ए फंक्शन स्मॉल एफ एक्स इज सेट टू बी, सेट टू हैव, set to have या set to be maximum at x equal to a, at x equal to a if f of a is greater than, f of a is greater than any other value, any other value assumed by fx, any other value assumed by fx in the imaged neighborhood, IMMEGED imaged neighborhood at x equal to a, at x equal to a, कहने का मतलब हमारे पास कि f of a जो है वो greater होना चाहिए f of a plus h से भी, और f of a greater than f of a minus h से भी greater होना चाहिए। कहने का मतलब है graphically देखेंगे तो मान लेते हैं कि एक कर हमारे पास ये है, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है a, इससे लेस वैल्यू लेस है और इससे greater वाली जो वैल्यू क्या है इससे लेस है, तो ऐसी वैल्यू, और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन की वैल्यू है f of a। ओके, तो ये तो क्या बुद्धि में है, तो यहाँ पे इसी के लिए बोलते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पे इसका के ऐसे ब्रैकेट के x इक्वल टू a इज मैक्सिमम पॉइंट, इज मैक्सिमम पॉइंट। सेकेंड देखिए, ये तो हो गए मैक्सिमम की, अब मिनिमम के लिए क्या करेंगे, लिखिए एफ एक्स इज सेट टू बी मिनिमम, एफ एक्स इज सेट टू बी मिनिमम या मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज लीस्ट, एफ एक्स इज लीस्ट then every other values, every
अदर वैल्यूज एज्यूम्ड बाई एफएक्स, एज्यूम्ड बाई एफएक्स इन द नेबरहुड, इन द नेबरहुड ऑफ या एट, इन द नेबरहुड एट एक्स इक्वल टू बी। देखो ये है हमारे पास ऐसा एक, ये पॉइंट है हमारे पास एक्स इक्वल टू बी, इससे लेस भी हमारे पास ग्रेटर है, इससे ग्रेटर भी हमारे पास क्या है ग्रेटर है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ ए बी माइनस एच, और एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच। एक्स इक्वल टू बी इज मिनिमम पॉइंट, ये फोटो बना लो और लिख ले। लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, लिखिए द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज लोकल और रिलेटिव, लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम और लोकल एंड लोकल ऑब्लिक रिलेटिव मिनिमम एज दीज आर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन related to some neighborhood of the point in the question। okay, फिर लिखिए next second number point, तो first हो गया, second लिखिए the term extremum का मतलब क्या होता है, मैक्स होता है ग्रेटेस्ट होगा या फिर लीस्ट होगा। द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे कि कर्व है हमारे पास, ये ऐसा कर्व, तो ये पॉइंट क्या है मैक्सिमा है और ये पॉइंट क्या है मिनिमा है, तो इन दोनों जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पे ये एक्सट्रीमम है फिर आगे यहाँ पे ये एक्सट्रीमम है। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट, जो इस पॉइंट पे टर्न हो रहा है उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, देखिए ए मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन may not to be greatest oblique least, maximum के लिए greatest होगा और minimum के लिए least होगा, oblique least value in the finite interval। next देखिए fourth number point, a function can have several maximum and minimum values may even be greater than एक मिनट फिर से रिपीट करता हूँ, ए फंक्शन can have several maximum and minimum values may even be greater than a maximum value। मतलब यहां पे क्या होगा,
कि कुछ वैल्यूज क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, कुछ वैल्यू मिनिमम होंगी, बट वो इवन हो सकती हैं कि मे इवन टू बी अ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे ग्रेटर जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, इवन होंगी। जैसा कि अभी हम डायग्राम बनाएंगे, एक पॉइंट लिख लीजिए उसके बाद डायग्राम बनाता हूँ। देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑकर OCCUR ऑकर अल्टरनेटिवली ऑकर अल्टरनेटिवली एंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यूज देयर इज अ मिनिमा, देयर इज अ मिनिमा या मिनिमम वैल्यू एक ही बात है, देयर इज अ मिनिमा एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। देखो ये क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, मतलब दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा है। ओके सॉरी, ये देखो मैक्सिमम बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और मिनिमम बहुत सारे ही हैं, ये मिनिमा है, यहाँ मिनिमा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, मतलब हर देखो एक मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है, एक मिनिमा एक मिनिमम में एक मैक्सिमा है। तो यहाँ पे यही आपको बताना था कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है, अगर दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा है तो उनके मतलब उनके बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी जो क्या होगी, मिनिमा को इग्नोर करेगी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो अगर दो निकाल टू मैक्सिमम पॉइंट्स हैं तो क्या करेंगे आप, इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करके तभी तो जाओगे इंक्रीजिंग पॉइंट पे। ओके तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बना लीजिए। एग्जांपल देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कर नहीं है, कोई एग्जांपल है ये आपको समझाने के लिए। देखिए नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट, इफ इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास पॉइंट था या जो भी हमारे पास कर्व था वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। देख लीजिए, इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए कंडीशंस फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमा, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमा। देखो अगर मैं ऐसा बना दूं, मैक्सिमम के लिए बना दूं ये कर्व है, ओके कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। ओके अब इस कर्व पे दो टेंजेंट्स होंगी, क्या होंगी, दो टेंजेंट्स होंगी, मान लेते हैं एक टेंजेंट यहां पे है और एक टेंजेंट यहां पर है। ओके तो ध्यान से देखिए, ये जो टेंजेंट है हमारे पास, इसका जो स्लोप है वो क्या है, थीटा है, और इसका जो स्लोप है वो क्या है, फाई है। अब ध्यान से देखो ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव आएगा, टेन 190 प्लस आ गया, मतलब निगेटिव आएगा, और ये क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं राइट से लेफ्ट चलता हूँ या फिर लेफ्ट से राइट चलता हूँ, लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होगा, स्लोप जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल में चेंज होगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास वो जो पॉइंट होगा उसका मिड पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू ए, वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। लिखिए If, if, और स्लोप क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, स्लोप क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। लेकिन इफ डी वाई बाई डी एक्स, इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन, चेंजेस साइन,
यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है मतलब क्या होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अबाउट x इक्वल टू ए, देखो x इक्वल टू ए से लेफ्ट साइड का साइन पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव अबाउट x इक्वल टू ए implies that maxima at x equal to a, maxima at x equal to a, बना लीजिए फोटो। यहाँ पे देख लीजिएगा dy by dx is greater than 0 और dy by dx is less than 0। ओके सेकंड इसी का जो मिनिमम पॉइंट है उसके लिए बात करते हैं। देखो यहाँ पे इसके लिए करना था मान लेते हैं एक टेंजेंट ऐसे जा रही है इस पॉइंट पे और एक टेंजेंट इस पे जा रही है, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट लेफ्ट टू राइट ये है हमारे पास पॉइंट x इक्वल टू b, तो ये क्या है हमारे पास ये पॉजिटिव साइन मतलब थीटा है और ये क्या है फाई, ये सॉरी यहाँ ठीक है। अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है dy by dx is less than 0 क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल, और ये है dy by dx is greater than 0। तो ध्यान से देखो हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ से बी से लेस पॉइंट के लिए क्या मिल रहा है हमारे पास उस पॉइंट पे स्लोप क्या मिल रहा है लेस मिल रहा है, यहाँ पे ग्रेटर मिल रहा है, तो आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है जहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखा था वहां नेगेटिव टू पॉजिटिव करना। लिखिए इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन, इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, from negative to positive about x equal to b, about x equal to b implies that minima at x equal to b, minima at x equal to b, photo bana lo। Okay next लिखिए नेक्स्ट शेडिंग है जो कि आपको एग्जाम में यूज करनी है वो लिखिए। ये तो हो गया हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, आप ऑप्शनल क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके तो जैसे कि सीईटी वगैरह हो गया, जेई हो गया एंड जो भी आपका नाटा हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इस मेथड से ही सॉल्व होंगे और इसी सॉल्व देंगे क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका लेफ्ट में देखोगे उसके बना दोगे अगर कर्व बनाना आता है तब। लिखिए नेक्स्ट यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिटरमाइनिंग मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, इन डिटरमाइनिंग मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा फॉर अ डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये हेडिंग फॉर अ डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा है तो d2y by dx square, ये आप सॉल्व करोगे यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करके, और जो हमारे पास वैल्यू होगी वैल्यू क्या होगी इसको क्या लिखोगे डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, ये तो लिखोगे डेल्टा, अरे एक्चुअल में एम्प्लाइज ये तो होता है हमारे पास। और अब देखेंगे कि हमें करना क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स अगर लेस देन जीरो आ रहा है, अगर
अगर लेस देन जीरो और डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए, तो फंक्शन क्या होगा मिनिमा होगा, उल्टा होता है जस्ट सॉरी लेस देन जीरो के लिए मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पे फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन जीरो से लेस आ जाता है मतलब फंक्शन क्या आ जाएगा मैक्सिमा। ओके नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी एट एक्स इक्वल टू ए। ओके नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट अगर ये ग्रेट लेस हो गया ग्रेटर हो गया, थर्ड पॉइंट है डी टू वाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया, तब क्या होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके और आपको पता है कि ये अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा आपको वो पॉइंट क्या हो जाएगा जिस पॉइंट पे है एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा इनफेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स एफ एक्स इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके सॉल्व दिस, क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करो पहले, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो क्या आएगा माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स। अब क्या करोगे मेथड क्या करेंगे इक्वेट जीरो करेंगे, इक्वेट जीरो किया तो क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसको जीरो पे आया जीरो के अंदर माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है मतलब मैक्सिमा है मतलब ये वैल्यू क्या होगी जीरो होगी और उससे पॉइंट निकल के आएगा पॉइंट में दिया हुआ माइनस थ्री और देखते हैं आपको नोट कर लेते हैं तो माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर या इसको एक्सेप्ट कर दिया इक्वल टू टू एक्स तो ए की वैल्यू क्या आ गई टू एक्स क्यूब आ गई क्या आ गई टू एक्स क्यूब। अब जो हमारे पास पॉइंट दिया था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आगे तो a इक्वल टू टू टाइम्स माइनस थ्री का क्यूब तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 54 खत्म। ओके अब चेक करना है तो a की वैल्यू 54 पुट कर लो यहाँ पर क्या करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास f डैश पुट कर देते हैं f डैश इक्वल टू क्या है माइनस 54 है मतलब क्या हो जाएगा 54 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 52 टू जो 108 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 2 राइट। अब डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू माइनस 3 पुट करके देखो एफ डैश एफ डबल डैश माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 108 अपॉन में 3 का क्यूब कितना होता है माइनस 27 माइनस माइनस खत्म हो गया तो क्या आ गया 27 फोर सा। ओके 27 फोर सा मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या बताया अभी आपको कि मैक्सिमा हो सॉरी मिनिमा हो प्लस टू भी था ना हमारे पास एक वैल्यू 54
फिर आपको मैक्सिमम एंड फाइनल द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ग्रेटर देन जरूर आ रही है, मतलब क्या है ग्रेटर देन लिखा हो जाएगा मिनिमा होगा। ओके मिनिमा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा दिया था क्वेश्चन में कि मैक्सिमा इज इक्वल टू -3, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला मिनिमा, मतलब क्या हो जाएगा वो कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसको आपको ए सेटिस्फाई करे और मैक्सिमम हो पॉइंट पे। ओके तो यहाँ पे लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ ए, ए की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन मिल जाता, लेस देन मिल जाता तो क्या होता हमारे पास फंक्शन वैल्यू में वही हमारे पास क्या होता ए की वैल्यू हो जाती, बट यहाँ तो उल्टा मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमा दिया था और यहाँ पे मिनिमा में दिख रहा है, मिनिमा दिख रहा है मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास ये इसमें कोई पॉइंट नहीं करेगा, लिख दे नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल। देखो चेक भी करना होता है, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करना होता है। ओके अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं एक तो ये टाइप हो गया, जैसा कि हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब थ्योरी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी। जैसा कि अभी इस बार चेंज भी हो गया है तो उसमें केस स्टडी आ गया है, उसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये 8 मार्क्स की आने वाली है। ओके देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं तो आप ध्यान से लिखिएगा। लिखिए फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट, फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट कॉमा प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट इज मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट टू, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट टू कॉमा थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो अब थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज है, पहले क्या बोला है कोनिकल टेंट बोला है, कोनिकल टेंट जैसा क्या होता है बना लेते हैं तो। ये हो गया कोनिकल टेंट। अब आपसे बोला है कि ये जो सेमी वर्टिकल है मतलब आधा हो जाएगा हमारे पास हाइट, ये है हमारे पास हाइट, इसको मैंने हाइट हो गई, ये है रेडियस। आपको स्लैंट हाइट दिया है, मान लेते हैं ये एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है राइट। अब ये एल के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा हमारे पास एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों कॉस थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री होता है तो पता ही है कॉस थीटा इक्वल टू दिस अपॉन में एल नेमिंग कर देते हैं ए बी सी यहाँ पे सी यहाँ पे डी इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी क्या दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू एओ अपॉन में एसी, एसी की वैल्यू एल दी हुई है तो एओ आ गया हमारे पास एल कॉस थीटा, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी एल कॉस थीटा। ओके फिर बात करते हैं हम लोग ओसी की, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम निकालना है, हमें वॉल्यूम की बात की है, वॉल्यूम की बात की है तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में आपको क्या क्या चाहिए, हाइट चाहिए होती है और रेडियस चाहिए होती है, रेडियस की बात करते हैं साइन थीटा यूज कर लो, साइन थीटा इक्वल टू ओसी अपॉन में एसी, तो ओसी क्या आ गया हमारे पास एल साइन थीटा, मतलब ये क्या आ गया रेडियस, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई एल साइन। मैंने आपको जो भी कंसीडर किया है वो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट के रूप में लिखना होगा कि लेट अस कंसीडर ए ओसी इज द रेडियस ऑफ अ कोनिकल टेंट एंड एओ इज द हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट। ओके ये सब आपको लिखना होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे इतना होने के बाद में ये क्या हो गया ये आर हो गया और ये क्या हो गया एच हो गया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की,
वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, वॉल्यूम को वी से करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के प्लेस पे क्या है, ओसी है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे पार ओसी स्क्वायर और यहाँ पे एओ है, ओके रख देते हैं। वी इक्वल टू 1/3 पाई एल साइन थीटा स्क्वायर और एल कॉस थीटा ऐसे रखा है। तो L तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन लेंथ हाइट है, जो भी गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, थीटा चेंज होगा केवल। तो ये रहेगा V इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब और साइन स्क्वायर इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है आपको, वहां पे जो टैन इनवर्स है ये प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव करना है। पहले तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दे। तो मैं ये पोर्शन रख कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बैक में जाके, ये हो गया वॉल्यूम, मैंने क्या किया डीवी बाई डी थीटा क्या हो गया 1/3 पाई L क्यूब क्या है कांस्टेंट है, इसको हाथ में लगाएंगे क्या करेंगे हम इसमें करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस हो गया क्या है माइनस साइन थीटा, ओके प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही रखा साइन थीटा क्या तो 2 sin θ और साइन को किया तो दोबारा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसको इक्वेशन मान लो पहले तो, अच्छा यहाँ कॉम ठीक है इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके इक्वेशन नंबर 1 को आपको डबल डिफरेंशिएशन मेथड ही यूज करना है, ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको पहले जीरो कर दो डीवी बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो करेंगे तो ये पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो होगा लेकिन कॉन्स्टेंट है तो पोर्शन क्या जीरो होगा, ये पोर्शन जीरो होगा, क्या होगा माइनस में साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 cos² θ इनटू में sin थीटा। अच्छा अच्छा ठीक है इक्वल टू 0, इसको शिफ्ट कर दो इस पोर्शन को यहां से शिफ्ट किया तो 2 sin² θ या sin थीटा कॉमन आ रहा है sin थीटा को कॉमन कर लेते क्या हो जाएगा 2 cos² θ माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि साइन थीटा जीरो कब होता है जीरो डिग्री पे और पाई डिग्री पे, जीरो डिग्री पे पाई डिग्री होगा नहीं क्योंकि जीरो होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी ऐसे फैल जाएगी जीरो, हाँ और पाई होगा तब भी हमारे पास क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी तो टेन तो बनेगा नहीं तो ये तो जीरो होगा नहीं। चलो निकाल देते हैं साइन थीटा इक्वल टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू एन पाई थीटा इक्वल टू एन पाई और थीटा इक्वल टू एन पाई ये नहीं होगा, आपको बताया अभी मैंने कि एन पाई का मतलब क्या हो गया हमारे पास ये जो जीरो डिग्री है वो क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पाई भी हॉरिजॉन्टल होती है टू पाई भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं है हमारे पास ये एंगल है हमारे पास और भी सेम ही वर्टिकल है ये आधे एंगल है, ओके अच्छा अब इसकी बात करते हैं तो ये रहेगा 2 cos² θ माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos² θ cos से डिवाइड किया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा इक्वल टू रूट 2 तो थीटा क्या आ गया हमारे पास थीटा आ गया tan इनवर्स रूट 2। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है आपका आधा क्वेश्चन हुआ है अभी का आधा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ओके अच्छा अब मैं ये फोटो को डिलीट कर रहा हूँ देखो अब क्या करेंगे अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएट ध्यान देंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट तो यहां पे इसको करेंगे तो ये जगह डी टू वी बाई डी थीटा स्क्वायर राइट इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब देखो ध्यान से देखना ये क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन है और साइन क्यूब है
तो क्या आएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और साइन को अगेन किया तो कॉस थीटा ओके और ये क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस ध्यान से देखिएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही है साइन को अगेन किया तो क्या हो गया कॉस थीटा हो गया साइन थीटा को अगेन किया तो क्या आया कॉस थीटा प्लस देखो ये ऐसे ही था हमारे पास टू स्क्वायर साइन को क्या कॉस अब क्या करेंगे अब टू साइन को ऐसे रखेंगे प्लस टू साइन को ऐसे ही रखा मैंने ओके अब क्या करेंगे कॉस पर करेंगे कॉस पर क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा और कॉस को अगेन किया तो माइनस में साइन थीटा ओके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते इसको डी टू बी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री पाई एल क्यूब ये हो गया हमारे पास माइनस में फोर साइन स्क्वायर माइनस फोर साइन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस फोर माइनस थ्री क्या हो गया माइनस सेवन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ये क्या हो गया प्लस टू कॉस क्यूब थीटा अब ध्यान से देखिएगा कॉस टेन थीटा क्या है रूट टू टेन थीटा क्या है रूट टू तो हमारे पास साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा क्या होगा रूट टू बाई रूट थ्री होगा और कॉस थीटा क्या होगा वन बाई रूट थ्री होगा यहाँ पे रख देते हैं देखते मैंने ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है रूट टू का स्क्वायर अपॉन विथ थ्री का स्क्वायर तो ये माइनस है और ये क्या है प्लस है ध्यान से देखिए इसको किया रूट टू बाई थ्री रूट थ्री स्क्वायर मतलब टू बाई थ्री और ये है वन बाई रूट थ्री मतलब क्या हो गया टू बाई थ्री रूट थ्री माइनस सेवन से मल्टीपल माइनस फोर्टीन बाई टू रूट थ्री यहाँ पे इतना वन बाई रूट थ्री तो टू बाई रूट थ्री रूट थ्री तो ऑलवेज क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है देखो इसका केवल यूज यही होता है डबल डिफरेंशिएशन का कि आपको चेक करना है ये पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है अगर निगेटिव आ रहा है फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमा वॉल्यूम इज मैक्सिमम यहाँ पे लिख लीजिएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू ओके यही आपको प्रूव करना था नोट कर लीजिए आज के लिए इतने रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें और आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए अगर नहीं याद है तो आप रिवाइज कर लीजिए एक बार ओके आज के लिए इतने ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।